पल्स का मॉर्टन देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पल्स का मॉर्टन क्या करेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो रोशनी अपनी बड़ी मम्मी के दुकान पर चली गई थी और वहां से लेकर आई स्प्राइट, स्प्राइट और पल्स मॉर्टन। इन दोनों का हम क्या करने वाले हैं, चलिए आप सबको दिखाती हूँ। तो पहले रोशनी ने अपना खोला अपना यूनिफॉर्म खोला। रोशनी के हाथों में जो पल्स का पैकेट था उसका जो रैपर था वो खोल नहीं पाई, तो उसको मैंने फटाफट से खोल दिया और जितने भी पल्स मॉर्टन थे उसका रैपर मैंने खोला। खोलकर हम सब इसको बनाने वाले हैं एक सॉफ्ट ड्रिंक। तो चलिए आप सबको दिखाती हूँ वो सॉफ्ट ड्रिंक कैसे बनाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जो चीज़ें होती है वो हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमने बहुत ही सिंपल से बनाया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ और देखते जाइए आप सबको भी अच्छा लगेगा। जो पल्स था उसको मैंने फटाफट से मिक्सी में पीस लिया। मिक्सी में पीसने के बाद उसका पूरा चूरन बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, नींबू लिया। नींबू लेने के बाद नींबू को छोटा 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 पीस में काटा। उसके बाद हम लोगों ने तैयारी की अपने सॉफ्ट ड्रिंक की। पहले लिया मैंने 3 ग्लास। उसके बाद मैंने उसमें निचोड़ निचोड़ के जो हमारा नींबू था उसको मैंने सारा डाल दिया। उसके बाद हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक था वो बनने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन हमारा जो ये पल्स का जो चूरन था वो थोड़ा सा स्टिकी हो गया था। कोई बात नहीं, फटाफट पल्स के पाउडर को मैंने फटाफट से डाला 3 गिलासों में। और जो हमारे 2 बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे, मम्मी मुझे ज़्यादा वाला पल्स चाहिए, मुझे ज़्यादा वाला पल्स। मैंने कहा रुको भाई रुको, तुम दोनों को ही ज़्यादा मिलेगा, मैं खुद ही कम ले लूँगी, तुम दोनों को मैं ज़्यादा दे दूँगी। तो मैंने ऐसा कहा और बच्चे सब मान गए। उसको हमारे पल्स डाले हुए गिलास थे उसमें मैंने डाला स्प्राइट। और स्प्राइट डालने के बाद मैंने आप सबसे कहा था ना इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती है, लेकिन हमारे पास उतनी चीज़ें थी नहीं। तो इसमें हमारे पास काला नमक नहीं था, 1 नंबर। उसके बाद हमारे यहाँ पर पुदीना नहीं था। दो अगर आप सबके घर में पुदीना है उसके बाद काला नमक है तो आप सब डाल सकते हैं। जो हमारा ड्रिंक था वो तैयार हो गया है और बच्चे पीने के लिए रेडी हो गए हैं। तो चलो चलो बच्चों पी के दिखाओ मम्मी को कैसा लगा है। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, उनको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और आप सब भी अपने घरों में बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सबको कैसा लगा। और हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।